हरियाणा के यमुनानगर में केमिकल युक्त पानी पीने से दो गायों की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल बस स्टैंड के पास स्थित इंडस्ट्री एरिया में पिछले कई दिनों से सीवरेज से पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर निकल रहा है। यह पानी यहां स्थित फैक्ट्रियों का वेस्टेज पानी होता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह पानी यहाँ स्थित पोलो प्लास्टिक नामक कंपनी से निकल रहा है और इस पानी का रंग हरा है, जिससे साफ होता है कि यह पानी केमिकल युक्त है। सड़क पर पानी बहने की वजह से यहाँ पर दो गायों की पानी पीने से मौत हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए भी ये परेशानी का सबब बना हुआ है। इस पानी से बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ रहा है। साथ ही साथ उनका कहना है कि यदि ये किसी शख्स की आंख में गिर जाए तो काफी नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही यदि गलती से इसे कोई पी ले तो जानी नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि दो गायों की मौत हुई है। वही उनका कहना था कि यहाँ पास ही खाद एवं आपूर्ति विभाग का गोदाम भी है। गोदाम गहराई में होने की वजह से सड़क के रास्ते ये पानी गोदाम में जा रहा है। इस बारे में जब खाद एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तक तो इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यदि इसकी मात्रा बढ़ती है तो अनाज को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बारे में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। राजकुमार उठा समाज सेवक। ये इंडस्ट्री में जो पानी का बहाव हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा पानी? ये सीवरेज है जी, पोली प्लास्टिक है, उसमें से आ रहा, केमिकल का पानी है सारा। अगर इसको जानवर मुंह लगा रहा है तो जानवर मर रहे हैं। अगर ये किसी की आंखों में, आम पब्लिक के कार मोटरसाइकिल से पड़ जाए तो आंखों से भी हाथ धोएगा और शरीर से भी, कुछ भी हो सकता है हादसा। और ये सारा पानी फूड सप्लाई में जा रहा है, आज तक जानवरों को तक सीमित है। अगर इंसानों को राशन कार्ड के जरिए डिपुओं पे सप्लाई हो गया तो उनका क्या हाल होगा? कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पानी घूम रहा है, ये कब से घूम रहा है? एक हफ्ते से ऊपर हो गया जी, आपके सामने ही है। क्या हादसा हुआ इसमें? दो गाय ने पानी को टच किया, साथ ही ऑन द स्पॉट मर गई। और फिर मैंने बिजली वालों को बुलाया कि बिजली का फॉल्ट ना हो, उन्होंने चेक करा, बिजली का कोई फॉल्ट नहीं। इससे पहले भी दो गायें मरी? दो पिछले साल मरी थी, तब भी ये पानी का भाव था। एक ही है जी, ये सब सामने वाली बंद है, इसमें से कोई नहीं आता, सीधा पानी उधर से ऐसे आ रहा है, केमिकल का पानी। आगे कहाँ जा रही है पानी? ये फूड सप्लाई में जा रहा है जी। सर ये बाहर इंडस्ट्री से सर कुछ पानी आ रहा है जो ऑफिस में, तो सर ये कहाँ से पानी आ रहा है और कैसा पानी है सर? देखिए, इसमें बाहर सीवरेज से पानी का फ्लो हो रहा है और हमारे ऑफिस के अंदर भी ये आ रहा है, तो इसके रिगार्डिंग हमने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोरेस्पोंडेंस किया है, जिसमें हमने उनको कहा है कि यहाँ पे जो पानी है ये पॉल्यूटेड है, इससे बीमारी फैलने का खतरा है। और दूसरा, हमारा यहाँ पे लाखों का स्टॉक भी लगा हुआ है, वो स्टॉक भी डैमेज होने का खतरा है। इस वजह से हमने पब्लिक हेल्थ को रिक्वेस्ट भेजी है कि इसको एज अर्ली एज पॉसिबल इसको सॉर्ट आउट किया जाए और इसको रोका जाए। तो सर ये जो पानी है ये कब से आ रहा है? ये कई दिन से आ रहा है, तीन चार दिन से आ रहा है। और इसमें जो हमने कोरेस्पोंडेंस किया है वो हमने 10 तारीख को किया है।